हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने हमारा सेक्शन डी जो था वो कंप्लीट किया था रिवीजन का ओसी में। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो सेक्शन ई है वो स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि सेक्शन ई जो है वो जनरली बड़े क्वेश्चन होते हैं, पर यहाँ पे मैंने यहाँ पे खाली पॉइंट्स ही लिखे हैं। मैं आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी, पर आपको ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपको आपकी नोटबुक में डिटेल में लिखने होंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज आर टेरी, फंक्शन ऑफ प्लानिंग मीन्स अजम्पशंस ऑफ रिजल्ट, पॉलिसी टू फॉलोइंग फंक्शन स्ट्रेटेजीज एंड डिसाइड द मेथड्स टू बी फॉलो। अब यहाँ पर प्लानिंग का मीनिंग हमें दिया हुआ है कि हमें रिजल्ट के बारे में अजम्पशन करना, फॉलो करना और स्ट्रेटेजीज बनाना। वो अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज यूनिवर्सल प्रोसेस, प्लानिंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, इट प्रेजेंट एवरी फील्ड लाइक बिजनेस, पॉलिसी, एजुकेशन, रीजन एंड सोशल फील्ड्स। सेकेंड इज प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट स्टार्ट विद प्लानिंग, अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर इम्प्लीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। थर्ड इज कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस, प्लानिंग इज अ कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस बिकॉज इन प्लानिंग डिसीजंस आर कॉन्शियसली टेकन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिव अजम्पशंस। फोर्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी, प्लानिंग कंटेन वेरियस कैलकुलेशन एंड अजम्पशंस, बिजनेस एंटरप्राइज इज अफेक्टेड बाई एक्सटर्नल फैक्टर्स, देयरफॉर नेसेसरी चेंजेस आर टू बी मेड शुड बी मेड इन द प्लानिंग एज पर टाइमिंग एंड सर्कमस्टांसिस। फिफ्थ इज प्रिसाइज, प्लानिंग इज अ प्रोसेस फॉर फ्यूचर, द मैटर कंसिडर फॉर प्लानिंग आर टू बी स्टडी एग्जैक्टली, स्टेटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा मस्ट बी परफेक्ट एंड प्रिसाइज। फोरकास्टिंग इज एसेंशियल, फोरकास्टिंग इज डन बाय कंसिडरिंग फ्यूचर अनसर्टेनिटी, मेकिंग अ प्लान फॉर अ बिजनेस यूनिट, देयरफॉर फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग आर कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फॉर उसके बाद है लिस्ट ऑफ अल्टरनेट्स, इफ प्लानिंग इन एनी फील्ड्स इंक्लूड्स वेरियस प्लान्स एंड अल्टरनेट्स, फॉर एग्जाम्पल देर आर मेनी अल्टरनेट्स टू इंक्रीज द सेल्स फ्यूचर लाइक इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट, रिडक्शन इन प्राइस, ट्रेनिंग इन सेल्समैन, डेप्रिसिएशन ऑफ अट्रैक्टिव फ्यूचर सॉरी डिक्लेरेशन ऑफ अट्रैक्टिव ऑफर्स टू इंक्रीज द सेल्स। उसके बाद है कंकर्ट विथ फ्यूचर, प्लानिंग प्रज्यूम अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व इन फ्यूचर, फोरकास्टिंग एंड अजम्पशंस आर डन लेटर ऑन इट। इन शॉर्ट, प्लानिंग इज रिलेटेड विथ फ्यूचर बिकॉज इट इज इवेल्यूएट फ्यूचर्स इन प्रेजेंट एंड अकॉर्डिंगली मेकिंग चेंज अरेंजमेंट फॉर द सेम। उसके बाद है यहाँ पे कॉन्शियस कंटिन्यूस प्रोसेस, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस एंड प्रेनेलियर प्रोसेस, प्लानिंग इज दैट प्रोसेस विच बिगिंस विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग एंड कंटिन्यूस टिल द एंड। फिर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी, प्लानिंग इज मेड टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट कैन डिसाइड फ्यूचर टारगेट्स एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। उसके बाद है रिपेयर्स रिक्वायर्स डिसीजन प्रोसेस, प्लानिंग इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेट, वेरियस अल्टरनेट आर कंसिडर्ड एंड अजम्पशंस आर मेड ऑन द डिसीजंस आर टेक इज टेकन टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेट्स। ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गिव द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू द बिल गॉट्स, टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग। अब यहाँ पे प्लानिंग का मीनिंग क्या दिया हुआ है कि टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग। अब हम उसकी प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, प्लानिंग इज अ मैप ऑफ द फ्यूचर इन विच मैनेजमेंट प्लेस एन वाइटल रोल, फ्यूचर इज अनसर्टेन देयरफॉर डिसाइडेड प्लान शुड बी इम्प्लीमेंटेड स्टेज वाइज इज गिवन बिलो। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है प्रोसेस डिटरमाइनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, के फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स। इट इज सेड इफ ऑब्जेक्टिव आर डिटरमाइन इन प्रॉपर मैनर, प्लानिंग विल बिकम यूजफुल फॉर मैनेजमेंट। सेकेंड है यहाँ पे क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसिस, आफ्टर डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसिस मस्ट बी प्लानिंग प्रोसेस। दिस प्रीमाइसिस मीन्स अजम्पशन एंड फोरकास्टिंग, मतलब कि फोरकास्ट करना और अज्यूम करना। थर्ड पॉइंट है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन, आफ्टर प्लानिंग प्रीमाइसिस नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी कलेक्टेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। After the collection of information, its classification, analysis and interpretation are to be done. इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ preparation of alternative plans. After collecting analysis, the interpreting information, alternate plan is to be made. A list of alternates is to be prepared. For example, sale of goods either producing or
परचेसिंग, यहाँ पे अल्टरनेट प्लान बनाना, उसके बाद उसे इवेल्यूएट करना, वेरियस अल्टरनेट विच आर कंसिडर्ड फिजिबल आर टेकन डिटेल इवेल्यूशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस यूनिट, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच अल्टरनेट इज टू बी कंसिडर्ड. उसके बाद द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेट, यहाँ पे द वेरियस अल्टरनेट आर टू बी इवेल्यूएट एनालिस एंड स्क्रूटिनाइज फॉर द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेट्स. सिलेक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ इवेल्यूशन ऑफ सब्सिडरी प्लान्स. Different projects or alternates are to be considered as per basis of time or basic plan and the support of basic plans. This plan are known as subsidiary or derivative plans. कि जो हम support में basic plan को support में जो अलग अलग plans बनाते हैं और projects बनाते हैं, that is called the subsidiary plans. Evaluation of plan. After formulation and evaluation of subsidiary plan, entire plan is evaluated. Whenever it is necessary, a business unit take a help of experts and consultant to evaluate the plan. कि ये जो सारी हमने planning की, उसके बाद उसे evaluate करना, उसके बारे में decisions लेना और experts की सलाह लेना, ये सारे काम जो है वो last step में होते हैं. So आज के इस video में हमने हमारे जो first two questions हैं वो हमने किए detail में. इन द नेक्स्ट वीडियो हम हमारे जो बाकी के जो तीन क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.